नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर लठ गाड़ कर पत्थर की लकीर डंके की चोट पर, क्योंकि सोनू चौधरी जो कहता है वो एक ना एक दिन आप लोगों के सामने धरातल पर देखने को मिलती है, क्योंकि हम वो चीज दिखाते हैं जिससे किसान का सीधा सरोकार जुड़ा होता है। हम वो चीजें फालतू की नहीं दिखाते हैं जिससे किसान का नुकसान हो जाए, क्योंकि कई लोग तो किसानों को डरा कर धमका कर उनका आलू सस्ती दरों पर खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं कहीं तो स्थितियां इतनी विकराल हैं कि किसान को खुद समझ नहीं आ रहा है कि कौन गलत है और कौन सही है। ऐसी स्थिति में अब किसानों को थोड़ा धैर्य और संयम से काम लेना होगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। साथ ही आपको देश भर में चल रही आलू की गतिविधियों से भी रूबरू कराने वाले हैं, लेकिन आप लोगों से हमारा निवेदन यही रहेगा, क्योंकि आलू अभी आपको एक ऐसा कदम तय करना है जो कि आलू के इतिहास में दूरगामी परिणाम देने वाला रहेगा। तो ऐसे में आप लोग बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास में ही बेल आइकन है इसे ऑल पर हिट कर लेना। इससे क्या होगा, जब भी हमारे द्वारा इस तरीके की ताजा तरीन सूचनाएं आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से भेजी जाएंगी तो YouTube सीधा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचेगा, जिससे आलू में आपको विध्वंसक नहीं विस्फोटक तेजी भी मिलकर रहेगी। क्योंकि इस बात को मैं इस वजह से दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि जो मेरी रिपोर्ट थी वही आप लोगों के सामने पत्थर की लकीर और एक नजीर बनकर उभरी। मैंने आप लोगों को आलू में शुरुआत से ही घबराहट नहीं लाने का, तनाव नहीं लाने का गुरु मंत्र भी दिया था, क्योंकि घबराहट और भय ये आलू में किसानों को बहुत बड़ा जो है घाटा करवा देते हैं। हालांकि कई किसान जो है अपने आलू को लेकर बेहद लापरवाह होते हैं और वो आलू तो करते हैं लेकिन आलू के दाम नहीं ले पाते हैं और फिर दोषारोपण दूसरे पर मरते हैं कि इसकी वजह से ये हुआ, क्योंकि आलू एक तरीके का जुआ मान के चलो। अगर पटरी पर चढ़ गया तो ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है, और अगर ये पटरी से उतरा तो फिर जो है नीचे ढकेल देता है। लेकिन इसके इतर अगर आप लोगों में हौसला, हिम्मत, धैर्य, संयम ये सारी चीजें कूट कूट कर भरी हुई हैं, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आप लोगों को आलू के 2000 रुपए प्रति कट्टा के भाव लेने से रोक जाए। लेकिन इस समय पर कोल्डों पे चल रहे कमीशन खोरी के माहौल से किसानों का आलू सस्ती दरों पर धोरे धोपर लूटने का काम किया जा रहा है। कई कोल्ड मालिक और व्यापारी इस गठबंधन के तहत ऐसा माहौल बना दिए हैं जिससे किसान को लग रहा है अब आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सोनू चौधरी दावे के साथ कह रहा है, जहां पर आपकी हिम्मत जवाब दी जा रही हो, जहां पर आपकी हिम्मत टूट रही हो, वहीं से आशा की एक नई किरण दिखाई दे रही है जो कि आलू को 2000 रुपए प्रति कट्टा बिकने के लिए प्रेरित कर रही है। किसान साथियों, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को हर वो स्थितियां बताई, आप लोगों को ये तक बताया कि आलू आपका कैसा भी हो, कभी आप लोगों ने नहीं सोचा होगा कि आलू जो है मेरा जो कि हल्की क्वालिटी का वो भी 1200-1300 रुपए प्रति कट्टा बिक जाएगा, और जो बढ़िया क्वालिटी के तो 1600-1650 रुपए प्रति कट्टा तक बिके। अब स्थितियां ये हैं कि जहां पर पहले एक कोल्ड मालिक जो व्यापारियों से 6-7% का कमीशन लेता था, आज निकासी ज्यादा हो गई है क्योंकि कोल्ड स्टोरेज पहले से ही नहीं भरे गए थे, चैम्बर के चैम्बर खाली रह गए थे, बस मूछों की लड़ाई थी कि कहीं जो है हम आपसी कोल्ड मालिक किसी दूसरे का भर जाए तो मेरा ना भर जाए, तो इसलिए 100-100 रुपए के बैनर लगा के एक माहौल बनाया था कि हमारा भी भर गया। और हकीकत यह थी कि पैदावार में 30% की तो अनुमानित गिरावट थी ही थी, जिसे भारतीय बागवानी बोर्ड ने भी माना था, यानी हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने भी माना था। अब जब कोल्ड स्टोरेज के गेट जो है निकासी उसी समय से हो गई थी, क्योंकि सबको अपनी कहीं मेरी साख ना गिर जाए, और इसी वजह से इन लोगों ने 12 तारीख मार्च से ही आलू की लोडिंग जो है कोल्ड स्टोरेज से शुरू कर दी थी, ताकि यूट्यूबर सोनू चौधरी हो, कोई पत्रकार हो या किसान हो, वो कोल्ड में आके ये ना कह सके ये चौहान साहब या अग्रवाल साहब या जो है पंडित जी या जो है कुशवाहा जी, ये कोल्ड के चैम्बर आपके कैसे खाली रह गए, कोई ये ना कह पाए।
ताकि हम इसे किसानों को और सभी लोगों को बरगला सके कि हमारे यहाँ तो और मार्च से जो है निकासी चल रही थी। लेकिन कहते हैं ना, समय का पहिया बड़ा बलवान होता है। आलू की पैदावार में गिरावट ने इन सभी के पूरे चश्मे उतार दिए। यहाँ तक कि जो कभी आलू नहीं करता था, नहीं खरीदता था और ना ही कुछ करता था, आज उसके भी पास जो है 10 से 20 हजार कट्टे हैं, और वो भी मोस्ट वीवीआईपी साउथ क्वालिटी आलू, क्योंकि उन सभी को पता है कि आलू की पैदावार में गिरावट है और इसके दाम जो है 2000 रुपये या इससे ऊपर एक ना एक दिन मिलकर रहेंगे। वो तो शुरुआत से ही ताल ठोक के बैठे हुए हैं। लेकिन ताल कौन नहीं ठोक रहा है? ताल जो है किसान नहीं ठोक पा रहे हैं। क्यों नहीं ठोक पा रहे हैं? क्योंकि कुछ जरूरतें भी हैं, कुछ सामाजिक जरूरतें भी हैं जिनका निर्वहन करना काफी जटिल प्रक्रिया है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, शादी विवाह करने हैं, घर मकान चलाना है, पत्नी की भी जरूरतें पूरी करनी है, तो किसान के पास में ऐसा कोई साधन नहीं होता है जिससे वो जो है इसकी पूर्ति कर पाए। तो ऐसे में किसान जो है अपने उत्पाद को ही बेचकर जो है अपने आलू को समयबद्ध तरीके से निकालते रहे। अब जब निकासी की अगर हम बात करें तो वो भी मेरे द्वारा आप लोगों को एकदम साइंटिफिक तरीके से पूर्ण रूप से बता दी गई थी। आज क्योंकि आलू कोल्ड स्टोरेज में कम है और निकासी ज्यादा है, आलू अभी बीज में भी जाना है और उत्तर प्रदेश की खुद की जरूरतें भी हैं, साउथ की भी डिमांड पूरी करनी है, गुजरात आलू जा रहा है उसकी भी डिमांड पूरी करनी है, डिमांड पूरी करनी है दिल्ली की, डिमांड पूरी करनी है राजस्थान की, डिमांड पूरी करनी है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और नॉर्थ ईस्ट की। और ये वही कारण है कि आलू में विध्वंसक तेजी की पूरी पूरी संभावनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, क्योंकि दीपावली तक कोई भी नई फसल जो है इस समय पर देश में नहीं है। अगर कोई यूं छुटपुट हो तो वो जो है जरूरतों को पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यूं कोई हल्ला मचाता रहे तो मचाता रहे, उसमें कोई लेना देना नहीं है। जब जो चीज है नहीं है उसके बारे में बोलना भी बेकार की बात है। अब किसान साथियों, कुछ लोगों को आप लोगों का आलू महंगा बिक जाए या आप लोग जो है उसमें से तेजी ले लें तो उन लोगों को बहुत बड़ी ईर्ष्या और जो है अंदर से जो है बहुत ज्यादा गिलानी होती है, भाई किसान कैसे ले गया। और ऐसे तथाकथित श्री चंदों की वजह से आलू का माहौल खराब होता है, और जब माहौल खराब होता है तो किसान जो है इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। आज अगर मैं स्थितियों की बात करूं और परिस्थितियों की बात करूं तो देखो, हमेशा से एक बात दिगर रही है कि आलू आलू ही होता है। हालांकि व्यापारियों के अपनी अपनी अलग अलग मंडियां होती हैं। कोई व्यापारी अपनी नजदीक की मंडी करता है, जैसे कि मेरा होम टाउन जो है खंदौली सादाबाद है, तो यहाँ के जो व्यापारी हैं वो ज्यादातर जो हैं गुजरात की या जो है राजस्थान की लोडिंग करते हैं या जो है कानपुर की लोडिंग करते हैं, क्योंकि ना यहीं से पैसे जो है अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन इसके इतर कुछ व्यापारी ऐसे भी होते हैं जो कि जिनकी उड़ीसा की लोडिंग है, जिनकी साउथ ईस्ट की लोडिंग है, जिनकी साउथ की लोडिंग है, महाराष्ट्र की लोडिंग है, कर्नाटका की लोडिंग है या जो है असम गुवाहाटी की लोडिंग है, क्योंकि ये ऐसे व्यापारी होते हैं इन्हें यहाँ से 4 पैसे ज्यादा कमाने का मौका मिलता है। तो ऐसे में इन व्यापारियों का इस साल काफी सराहनीय प्रयास रहा कि आलू के किसानों को आलू के अच्छे दाम कमाने का मौका मिले, हमें भी 4 पैसे कमाने का मौका मिले। तो इन व्यापारियों ने जो कि साउथ लोडर और साउथ ईस्ट लोडर और महाराष्ट्र के कर्नाटका के जो लोडर हैं, इन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दी आलू के बाजार को खुशनुमा बनाने में, और ऑन डिमांड भी आलू बेचा गया, बिक्री पे भी आलू बेचा गया, और सभी जगह से आलू के सकारात्मक पैसे भी वापस आते रहे, रुझान भी वापस आता रहा। लेकिन इन सबके बीच में एक स्थिति ऐसी बनी कि इन जो कि आलू के माहौल को जो खुशनुमा व्यापारियों ने बनाया, उनका जो है कदम लड़खड़ाने लगे। और कदम क्यों लड़खड़ाए? क्योंकि मौसम ने एकदम पलटी मार ली, जिस मौसम को लेकर सभी अनुमान व्यक्त कर रहे थे कि इस बार जो है लालिनों का प्रभाव रहेगा, तो ऐसे में आलू की कीमतें और ज्यादा चढ़ेंगी। लेकिन हुआ क्या,
कि लाल इनो का प्रभाव से बारिश तो देश भर में ज्यादा हो रही है, लेकिन कहीं कहीं स्थितियां ऐसी हैं कि जहां पर बारिश की एक बूंद तक नहीं है, यानी कि बरसात की जहां पर उम्मीद की जा रही है वहां पर बरसात नहीं है। तो वहां पर गर्मी है और यहां पर जो है बरसात है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन से जो है ह्यूमिडिटी, जिसे आर्द्रता बोलते हैं, वो ज्यादा फैल रही है, जिसकी वजह से व्यापारियों को जो है ना चाहते हुए भी साउथ के लिए आलू लोड करते समय काफी नुकसान भी उन लोगों को उठाना पड़ा है। और कहते हैं आलू ही आलू की पूर्ति करता है, तो ऐसे में काफी समय बाद ये व्यापारी जो हैं इस घाटे से उभरे हैं और अब इस समय पर स्थितियां ये हैं कि ये फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। हालांकि व्यापारियों के एक संगठन ने, जो कि साउथ लोडर के संगठन व्यापारी हैं, उन्होंने एक जो है मुड़ी चौराई खंडौली पर एक बैठक का आयोजन करके अपनी स्थितियों से रूबरू करवाया था, कोल्ड स्टोरेज में कितने परसेंट की निकासी हो गई है ये भी बताया था, और ऐसे में फिर उसके बाद में आलू की खरीद फरोख्त इन व्यापारियों द्वारा शुरू की गई। और उसी दिन से खंडौली और सादाबाद के कोल्ड स्टोरेज में 100 से 150 रुपये प्रति कट्टा का उछाल आ गया। और यहाँ पर इन साउथ लोडर व्यापारियों का कहना है कि ये मौसम साफ हो जाए, क्योंकि ज्यादा ह्यूमिडिटी से आलू में गलाव पैदा होता है, क्योंकि कोल्ड से आलू सीधा जाता है और रास्ते में जो है तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इससे जो है आलू डैमेज होता है, डैमेज की शिकायतें आती हैं, तो ऐसे में आलू के जो कि बढ़िया क्वालिटी का भी हो उसके दाम नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे में अभी इस समय पर जो स्थितियां हैं वो जो है आलू के मुफीद नहीं है, और इसी वजह से थोड़े आलू में कमी देखी जा रही है, मंडियों में कम पहुंच रहा है, लेकिन जितना भी पहुंच रहा है उसके दाम आज है, आज की स्थिति में देखी जाए तो काफी अच्छे हैं। हालांकि पूर्ववर्ती दाम जो कि आप लोगों के लगे, उस स्टेज पर पहुंचने में अभी 10 से 15 दिन का समय लग जाएगा, लेकिन साउथ लोडर व्यापारी या लोकल लोडर इस बात से परेशान है कि जो किसानों को हम भाव दें तो दें कैसे, क्योंकि इस समय पर कोल्ड स्टोरेज में निकासी जो है 48 के पार है, और जब 48 के पार है तो कोल्ड मालिक आलू को व्यापारियों को नहीं निकालने दे रहे, और अगर कोई व्यापारी जाता है या तो विश्वसनीय तब निकाल देते ना, या कोल्डों पे भी कंपटीशन चल रहा है कि जो व्यापारी पहले जब कमीशन 6 से 8% का देके व्यापारी आलू उठाता था, आज वही कमीशन 12 से लेकर 16% तक का व्यापारी द्वारा कोल्ड मालिक को दिया जा रहा। अब कोल्ड मालिकों के हाथ में तो लड्डू हैं, इधर किसान से भी भाड़े और उससे वसूलेंगे, इधर जो है कमीशन किससे मिल रहा है। ईमानदार से ईमानदार कोल्ड मालिक भी व्यापारियों द्वारा दिए जा रहे मोटे से मोटे कमीशन, ताकि कोई दूसरा व्यापारी इस कोल्ड पे ना आ जाए या दूसरा ना खरीद ले जाए, तो एक बहुत बड़ा मोटा कमीशन जो है इन लोगों को कोल्ड मालिकों को दिया जा रहा है, जिससे जो भाव किसानों को मिलने चाहिए वो कोल्ड मालिक ले रहे हैं। अब जब कोल्ड मालिक ले रहे हैं तो स्थितियां आप सभी के सामने है, मैं किसी से नाम तो किसी का नहीं लूंगा, लेकिन आप इस सबको देख भी रहे हैं, भुगत भी रहे हैं, जब आप कोल्ड स्टोर पे जाते हैं क्या भाव आपके लगते हैं, और ये वही कारण है कि जो व्यापारी आप लोगों को आलू देना चाहते थे वही कोल्ड मालिकों को दे रहे हैं, यानी कि 200 से 300 रुपए का अंतर यहाँ पर आ रहा है। मंडी से दाम अच्छे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कमीशनखोरी एक बड़े स्तर पर है, और इसी कमीशनखोरी के चलते कोल्ड स्टोर पर दाम जो है आप लोगों को सही नहीं मिल पा रहे हैं, मैं यहाँ दावे के साथ कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसका कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं कि कौन गलत है कौन सही है। अब आपके सामने है व्यापारी जो कि 200 से 300 रुपए कोल्ड मालिक को दे सकता है, तो कोल्ड मालिक उसे 200 से 300 रुपए सस्ता आलू भी दे सकता है, जो आप खुद अपने आलू के रूप में देख रहे हो क्या स्थितियां हैं। तो इससे समझ लो ये कमीशन खोरी का खेल है और कुछ नहीं है। मंडी में कल भी अच्छे दाम वापस आ रहे थे, मंडी से आज भी दाम अच्छे वापस आ रहे हैं, लेकिन व्यापारियों का कंपटीशन ही आप लोगों की बर्बादी के कगार पर ले जा रहा है। और मैं तो आप लोगों से हर वीडियो में यही कहता हूँ, वीडियो चाहे कितनी भी लंबी हो जाए, लेकिन मैं जानकारी आपको उस हिसाब से दे रहा हूँ जिससे आप अपने आलू की बिक्री को रोक कर इन लोगों में व्यापारी और इनमें जो है इंडिया जैसा गठबंधन हुआ है ये कभी टूटे, और टूटे तो आपको अच्छे दाम मिले। कुछ लोकल के व्यापारी हैं जो कि हतोत्साहित हैं, अब वो तो उसी रेट पर खरीदेंगे, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन इस सब के स्तर आलू आपका 2000 रुपये प्रति कट्टा ही बिकना है। देखो आप, मैं सीधा बता देता हूँ, कई लोग व्यापारी और कोल्ड मालिक जो है आप लोगों के सामने कह देते हैं, देखो तुम्हारा आलू ऐसा है या ऐसा है, आलू आलू ही होता है चाहे वो किसी भी मंडी में बिके, क्या जो थर्ड ग्रेड है या सेकंड ग्रेड है वो आलू नहीं कहलाएगा, या वो आलू बिकेगा नहीं, बिकेगा,
लेकिन समस्या इस बात की है, इसी प्रकार के आलू के किसान जो हैं, जो कि थर्ड ग्रेड आलू है या सेकंड ग्रेड का क्वालिटी का आलू है, जिसे मंडी में 3 से 4 दिन रखने के बाद में भी नहीं बिक पाता है, और उसके भी किसान जो हैं सपने देख लेते हैं कि ये भी हमारा 2000 रुपये प्रति कट्टा बिक जाएगा। बिक भी सकता है, ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन ऐसे क्वालिटी के आलू नहीं बिकते हैं। अब किसान साथियों, आपके सामने कुछ मैं तथ्य रखूंगा, जिसे सुनने के बाद में आप लोग कहेंगे सोनू भाई आलू में तो तेजी आएगी, लेकिन हम जो है आलू को कब तक रोकें, तो मैं आप लोगों को सीधी सीधी बता देता हूं। अगर आप में धैर्य और संयम है तो भैया आलू रोकना, और अगर आप में लगता है कि नहीं है तो भैया बेच लेना। देखो पीछे से आप ये कहो, क्योंकि पीछे तो 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकना है, ये आपके सामने आएगा, लेकिन समस्या इस बात की रहेगी तब तक आप सभी अपना आलू बेच चुके होंगे। टोटल आलू जैसे कमीशन खोरी के चलते व्यापारी और कोल्ड मालिकों के हाथ में है, आलू के दाम नहीं बढ़ने दे रहे हैं, फिर आप खुद देखिएगा कि आलू हुए कि नहीं हुए। अब देखिए किसान साथी, मैं आप लोगों के सामने एक नजीर पेश कर देता हूं। आप लोगों, मैंने आप लोगों को बंगाल में जाके क्या बताया था, आलू की पैदावार कम है, और व्यवसायी समिति से लेकर कोल्ड मालिक तक बुखर हुए थे, अरे बंगाल में आलू कम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब किसान साथियों, मैं आप लोगों को पहले 2024 का दिखा देता हूं। देखो पश्चिम बंगाल प्रगतिशील आलू व्यवसाय समिति, इसमें इन्होंने आज रिलीज किया है और परसेंटेज दिखाई है निकासी की। हुगली में 36.57%, मेदिनीपुर में 39.40%, बांकुरा में 34%, बर्धमान में 35%, बीरभूमि में 34%, मुर्शिदाबाद में 41%, हावड़ा में 39%, और अगर कुल टोटल मिला के बात करें 35.70%, यानी कि आप जो है 36% मान सकते हैं। क्योंकि देखिए इस समय पर वेस्ट पश्चिम बंगाल में आलू भारी मात्रा में शॉर्टेज है, मैं शुरुआत से ही आपको बता रहा था, और इस बात का पुख्ता सबूत ममता बनर्जी ने आलू पर रोक लगा के सीमा को बंद करके दिखा दिया कि आलू शॉर्ट है। लास्ट ईयर मई महीना में जितना रिलीज हुआ था, जून महीना में जितना पैकेट रिलीज था, जितना पैकेट जुलाई में रिलीज हुआ था किसान साथियों, वही इस बरस जो है इतना ही रिलीज हो रहा है। पिछले साल से करोड़ों कट्टा जो है इस बार जो है काफी कम थे। इस हिसाब से अगर हम देखें तो दिसंबर के में वेस्ट पश्चिम बंगाल में एक दाना भी आलू का नहीं बचेगा, और पुराना आलू पश्चिम बंगाल में फरवरी तक चाहिए चाहिए। तो अब पश्चिम बंगाल में बॉर्डर खुलने का कोई सवाल नहीं है, बॉर्डर नहीं खुलेंगे, और ऐसे में उत्तर प्रदेश हो या आपका पंजाब हो, यहाँ के आलू किसानों के लिए आलू में अच्छे से अच्छे तेजी के जो है संकेत जो है दिखाई दे रहे हैं। किसान साथियों, जब तेजी के बात आती है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, आपका भी मन प्रफुल्लित हो जाता है, लेकिन आप थोड़ा उस सदमे में आ जाते हैं कि आप तो रेट अच्छे बताते हैं लेकिन भैया हमारा आलू जो है इस पे कोल्ड मालिकों द्वारा नहीं खरीदा जा रहा है। तो देखो स्थितियां ये है कि कमीशन ज्यादा लोगे, ईमानदारी फिर जो है झक मराने चले जाते। कई कोल्ड मालिक कहते हैं हम कमीशन नहीं लेते, जब कमीशन नहीं लेते तो जो बाहर का व्यापारी आ रहा है आलू खरीदने के लिए, उसे तुम आलू खरीदने क्यों नहीं दे रहे। 3-4 रंगा बिल्ला कोल्ड पे रहते हैं, या कभी कभी तो 1-2 ही रहता है, वो आपस में बस गाड़ी बनाते रहते हैं कि एक गाड़ी मैं बना ले रहा हूँ, एक गाड़ी तू बना लियो, ऐसे तीन चार लोग गुल्लू मुल्लू करते रहते हैं, और इससे कोल्ड मालिक को सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। कोल्ड मालिक को आलू के जो है कमीशन अच्छा मोटा मिल जाता है, व्यापारी किसान को चाहे कल मारे चाहे आज मारे, उसे तो अपने कमीशन से मतलब है। अब किसान साथी देखो, पहला मैं आपको नमूना दिखा देता हूँ आज, जो कि केतकी कोल्ड स्टोरेज खंदौली में है। गुल्ला आलू यहाँ 1220 रुपये प्रति कट्टा बिका है, साइड में आपको पर्ची भी दिखाई दे रही होगी। कोटकी कोल्ड स्टोरेज टूडला डबल एस मार्का 37.97 आलू, देखो क्वालिटी बिकती है। कई लोग कह देते हैं सोनू भैया तुम ये कहते हो कि आलू जो है ये हो गया, आलू बहुत तेज है और हमारा कोई नहीं ले रहा, तो हमेशा क्वालिटी का उत्पादन करना सीखे। देखिए क्वालिटी देख लीजिए, एकदम लाइट मार रही है आलू पे, और एक धब्बा भी स्क्रैच का नहीं है, साथ ही मिट्टी भी नहीं लगी हुई है। अब इसी से आप आइडिया लगाइए ये आलू कैसा है, तो ये तो अपने आप ही 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। फिलहाल किसान ने जो है अपने ये 300 कट्टे का जो है लॉट जो है बेचा है, तो अभी इनके पास में आलू है। इसके साथ ही अगर हम जो है देखें तो यहाँ पर जो है एक कोल्ड स्टोरेज है, राधा कृष्ण कोल्ड स्टोरेज, जो कि जलेश्वर रोड सादाबाद में पड़ता है। 37.97 आलू जो है यहाँ पर 1500 रुपये प्रति कट्टा में बिका है, दागी का कोई सौदा नहीं है, 190 कट्टा है। खान ट्रेडिंग कंपनी के अजीम भाई ने ये जो है आलू जो है खरीदा है, पर्ची आपके सामने है। दास कोल्ड स्टोरेज जो कि बरौस सादाबाद में है, यहाँ पर गुल्ला आलू आज 1100 रुपये प्रति कट्टा में बिके हैं, और रविंदर सिंह व्यापारी हैं, उनके द्वारा खरीदे गए हैं, पर्ची आपके सामने है, देख लीजिए। एक है एस 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 आर कोल्ड इसोली शमशाबाद,
जनपद आगरा, यहाँ 302 आलू 2751 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर किसान साथियों बिके हैं, और ये इस बात का प्रमाण है कि आलू में तेजी है। लेकिन अभी क्वालिटी वाले आलू में तेजी है, और मैं यहाँ पर आप लोगों को यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्वालिटी वाले आलू तो 2000 का 2400 रुपए प्रति कट्टा बिक जाएंगे, लेकिन आपका जो मीडियम क्लास आलू है वो भी किसी से कम नहीं पड़ेगा, हालांकि सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड कम जरूर पड़ जाएंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा, अगर आपको ऐसे अगर क्वालिटी है जो कि व्यापारी और कोल्ड स्टोर के लिहाज से सही नहीं है या मार्केट के लिहाज से सही नहीं है, तो अपना आलू जो है आप जो है बेच सकते हैं। बाकी अगर आपको रिस्क लेने की क्षमता है तो रिस्क लीजिएगा, लेकिन रिस्क लीजिएगा तो फिर ऐसे आलू पे लीजिएगा जो आप लोगों को घाटा ना करवाए। अब किसान साथियों आज एक बाराबंकी की जिले की बात करेंगे, तो बाराबंकी में आज आलू के रेट जो है 2500 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2550 रुपए प्रति क्विंटल तक हो गए हैं, जिससे आलू किसानों के साथ साथ कोल्ड मालिकों और वहां के व्यापारियों के चेहरे खुले हुए हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा स्पष्ट उदाहरण उड़ीसा से आ रही बेहताशा डिमांड है, जिसे पूरी करने में बाराबंकी, फरुखाबाद और कन्नौज के कोल्ड मालिकों के साथ साथ लोडरों के भी पसीने छूट रहे हैं। हालत यह है कि जहां पर गाड़ियां 70 पहुंचनी चाहिए वहां गाड़ियां अभी महज 25 से 30 पहुंच रही हैं, केवल उसके लिए कि भाई आलू का नगद पेमेंट पे जाएगा, और जैसे ही स्थितियां सामान्य होंगी तो ये आलू फिर दोबारा बढ़ेगा, क्योंकि बंगाल के बॉर्डर खुलने वाले नहीं है। अब बात करेंगे बंगाल की, तो उत्तर प्रदेश का जो यूट्यूबरों का जो संयुक्त अभियान था व्यापारी और कोल्ड मालिकों के हित में, उसका परिणाम ये रहा कि ममता सरकार झुक गई अपने कदमों पर, और जो है उत्तर प्रदेश और जो भी बिहार से जितना आलू नॉर्थ ईस्ट असम के उसमें गया था वो आलू जो है ट्रक जो है पार हो गए। तो यहाँ पर कई लोग कहते हैं यूट्यूबरों की वजह से किसान बर्बाद हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। यूट्यूबर के लिए किसान हो, कोल्ड मालिक हो, व्यापारियों, सभी बराबर हैं, लेकिन समझने की बात ये होती है क्योंकि आप लोग किसानों के अंदर घबराहट पैदा करके उनका आलू सस्ती दरों पर निकलवाना चाहते हैं, और यूट्यूबर ये चाहते हैं कि किसान अपनी मर्जी से आलू बेचे, चाहे वो अपने मर्जी से आलू 1300 बेचे, चाहे बेचे अपनी मर्जी से 2000, लेकिन उसके बेचने में कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आप लोग किसानों को डराते हो, धमकाते हो, यूट्यूबरों को बदनाम करते हो, आज यही यूट्यूबर तुम लोगों के काम आए तुम्हारे आलू को बंगाल से असम पहुंचाने के लिए, तो तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए पानी में जो तुम यूट्यूबरों की बुराई करते हो। किसान साथियों अगर हम जो है आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो देखो मुझे तो तेजी नजर आ रही है, कई कोल्ड मालिकों को तेजी नजर आ रही है, कई जो है व्यापारियों को तेजी नजर आ रही है, कई किसानों को तेजी नजर आ रही है, लेकिन तेजी किसको नजर नहीं आ रही है? तेजी उनको नजर नहीं आ रही है जिन जो कि आलू बेच चुके हैं, या जिन्होंने इस बार आलू नहीं किया, या जिन्होंने इस बार आलू का स्टॉक नहीं किया, या जो है मटर गश्ती करते रहते हैं और कोई काम नहीं है, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आलू में तेजी आए, और कदापि कुछ खंदौली के, कुछ पंजाब के, कुछ ये लोग भी नहीं चाहेंगे कि तेजी आए। लेकिन किसान साथियों मैं आप लोगों से यही कहूंगा, तेजी किसी का बाप नहीं रोक सकता है, तेजी नहीं महातेजी आएगी, लेकिन अब बात यह है कि अगर आप आलू बेच गए तो फिर हमारा वीडियो बनाने का मतलब ही क्या रहेगा, क्योंकि हम बताएंगे कि देखो फलाने गोल्ड में आलू 2000 रुपए प्रति कट्टा बिकाए, फलाने ढिकाने गोल्ड में 2100 रुपए प्रति कट्टा बिकाए, तब आप कहेंगे सोनू भैया यार हम तो बेच गए, अब फिर तो तुम हमारी वीडियो ना देखोगे, क्योंकि आज हम जानते हैं कि 80 से 90% किसान अपने आलू को बेच चुके हैं, यानी कि थोड़ा बहुत ही बचा है। अब वो लोग जो हैं आलू के दाम नहीं बढ़ेंगे या जो है वो है, और देखो फालतू के दूसरे देशों की वीडियो डाल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेना एक ना देना दो, क्योंकि आलू तो अब है नहीं, थोड़ा बहुत बचा है, वो चाहे गौशाला में चले जाए, चाहे 2000 रुपये प्रति कट्टा मिल जाए, बस मस्ती चल रही है, लेकिन यही मस्ती आप लोगों की आप लोगों के भारी पड़ सकती है। मैं आप लोगों से यही कहूंगा किसी की बातों में मत आइए, एक बात सुन लीजिए, आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा पार बिकेगा तो बिकेगा, इससे किसी का बाप नहीं रोक सकता है। मैं सीधा सीधा आप लोगों को यही गाइड करूंगा, अगर आप सामर्थ्यवान हैं, आलू आपका बेस्ट क्वालिटी का है, तो आलू को रोकने में ही भलाई है, कोई दुनिया की ताकत आलू में तेजी लेने से आप लोगों को नहीं रोक सकती है। कई लोग आपको ज्ञान देंगे कि सारा आलू रुक जाएगा, अबे सारा कहां से रुक जाएगा, कितना आलू था 80% कोल्ड भी नहीं भरे गए थे, 48% की निकासी है, 20% जो है बीज में चला जाएगा, 60% ये हो गया, 20% बचा है, उसके पूरे देश की डिमांड पूरी करनी है, कहाँ है आलू, है कहाँ आलू? ये सिर्फ ऐसे लोग हैं जो कि आप लोगों से आलू सस्ती दरों पर खरीदने के लिए प्रयास रहते हैं, माफ कीजिएगा 48 और 20% बीज में जाता है तो वो जो है 68% होता है, 12% आलू बचेगा, 20% नहीं 12% बचेगा, अब 12% से आप लगा लीजिए,
तो आपका स्थिति सामान्य। अगर ये कहते हैं कि 20 भी बचता है तो 20 भी दिवाली तक खत्म हो जाएगा, तो फिर कहाँ से आलू आएगा? और साउथ में चाहिए वहां तक, और अभी कोई फसल भी नहीं है। दिवाली के बाद आती हैं जो भी फसलें आती हैं, अब कोई फसल भी नहीं है। अब कोई गेहूं ढोंडोरा पीट रहा हो किसी कोने में ले जाके तो पीटता रहे, आलू कोई है ही नहीं, आलू तो कोल्ड वाला ही है और राज करना ही करना है। बहरहाल किसान साथियों, स्थितियों से आप समझ गए होंगे, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हुई होगी लेकिन आप लोगों के हितार्थ रही होगी। अगर आप लोगों को आलू में तेजी लेनी है तो फिर भैया अपना आपको आलू रोकना पड़ेगा। और जो भी कहते हैं कि आलू एक साथ जाएगा तो मंडी में क्या होगा, मंडी में एक साथ ही तो जा रहा है, 130 30 140 गाड़ियां दिल्ली की मंडी में पहुंच रही हैं, जयपुर की मंडी में 70 80 90 तक पहुंच जाती है, मुंबई में इतनी पहुंच जाती है, कहाँ से जा रहा है? तुम्हारे घर से तो आ रहे नहीं होगा, क्योंकि मंगल ग्रह से तो आ नहीं रहा होगा। तो ऐसे में मंडियों में भी आवक ज्यादा हो रही है, मार्केट भी स्टैंड है, 50 ऊपर चला जाता है, कभी 60 ऊपर चला जाता है, तो आलू में घबराहट वाली कोई बात नहीं है। ये सिर्फ घबराहट इन लोगों द्वारा सस्ती दरों पर आलू खरीदकर मोटा मुनाफा कमाने के उद्देश्य से की जा रही है। मैंने आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया है, अगर आप समझ गए होंगे तो आलू में तेजी के अच्छे भाव ले लेंगे। बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना ही, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में सभी इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और जिन किसान साथियों ने लग रहा है कि आलू में कुछ नहीं हो सकता और ये मंडलियों के चक्कर में फंसे हुए, वो अपना आलू बेच दीजिएगा भैया, किसी के ऊपर आरोप लगाने से बढ़िया है कि आप फ्री हो जाइएगा, किसी पे ये मत कहिएगा इसकी वजह से उसकी वजह से, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है। मैं अपने ही बता देता हूँ, 1640 रुपए प्रति कट्टा के आज से एक महीने पहले एक किसान के लगे थे, मैंने उससे कहा था तब अपना आलू निकाल दे, बोला कि अगर मेरा फिक भी जाएगा तो मुझे कोई घमंड नहीं है, मेरा 2000 रुपये प्रति कट्टे बनेगा। मैंने उसका वीडियो बनाया था और एक दिन मुझसे फोन करके बोला था तुम्हारे वजह से मैंने ताऊ तेरे थप्पड़ मारूंगा, होगा 60 साल का तू अपने आप के, तेरी वीडियो मेरे पास में है देख ले तूने क्या कहा था। मैं सारे रखता हूँ क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि तुम कब कितनी जल्दी बदल जाओगे इन व्यापारियों कोल्ड मालिकों की बातों में आके। तो ऐसे में आप अपने आलू के प्रति गंभीर रूप अपनाइए, कभी भी किसी पर आरोप लगाने से अच्छा है कि आप अपने आलू को बेच दीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि आप किसी के ऊपर आरोप लगाएं, क्योंकि हम चाहेंगे आपका आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकाए, लेकिन वो लेंगे धैर्यवान और सामर्थ्यवान।